please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया। मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। स्वागत है आपका रियलिटी टॉक में। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे जीएसटी के ऊपर। जीएसटी आप पे क्या फर्क डालेगी, आप अगर कोई घर लेने वाले हैं तो आपको क्या बदलाव का सामना करना पड़ेगा, या आप कोई घर बुक करा चुके हैं, कोई फ्लैट बुक करा चुके हैं या ज़मीन बुक करा चुके हैं, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जो हमारी रियल स्टेट की मार्केट है, जो हमारा ज़मीनी कारोबार है, ये हमारी इकोनॉमी में 5% हिस्सेदारी रखता है, और 5% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है किसी एक चीज़ से इफ़ेक्ट होना। इसका सीधे सीधे मतलब मैं आपको बता दूंगी क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम सब, आप और मैं, कहीं ना कहीं इस बाज़ार से जुड़े हुए हैं और हम सब पे इसका फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर फ़र्क पड़ेगा तो मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा और कैसे फ़र्क पड़ेगा। पहले जब आप किसी बिल्डर से फ्लैट लेने जाते थे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। वो आपको कई सारे टैक्स गिना देता था, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, स्टेट टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, और आपसे अच्छी खासी रकम वसूल लेता था। पहले आप जितनी बार भी अपने फ्लैट की ईएमआई भरते थे उतनी बार आपको ये सारे टैक्स देने पड़ते थे। लेकिन अब आप जितनी बार भी ईएमआई भरेंगे, जितनी बार भी अपने बिल्डर को पैसे देंगे, उसमें सिर्फ आपको जीएसटी जोड़ के पैसे देने, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देना आपको उसके अलावा। जी बिल्कुल, क्या कह रहे हो, थोड़ी समझने में दिक्कत है, कोई बात नहीं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि 2013 में आपने एक फ्लैट बुक कराया था 50 लाख का, जिसकी पोजीशन आपको 2019 में मिलनी है। अब आपने 2017 1 जून तक इसके भर दिए हैं जी 30 लाख, 20 लाख बचे हुए हैं। तो 30 लाख के ऊपर तो आपने पहले के काफ़ी सारे टैक्स जोड़ ओड़ के दे दिए, अब बचे 20 लाख। 20 लाख की किस्त आपको देनी है, लेकिन 20 लाख के ऊपर आपको सिर्फ 12% के हिसाब से किस्त देनी है और कुछ नहीं। पहले जो आपने दे दिया वो दे दिया, इसके बाद का कुछ नहीं। समझ गए, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अब भी अगर कोई डाउट रह गया मन में या अब भी समझ नहीं आया हो, तो आप नीचे हमारी ईमेल आईडी लिखी हुई है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट realtymedia.in पर जाके रजिस्टर करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं हाजिर रहूँगा फिर आपके साथ एक और टॉपिक लेके, आपको अच्छे से समझाने के लिए, बात बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। For more news and updates, visit our website realtymedia.in. And for more videos, subscribe our YouTube channel, Realty Media.